अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको लेकर आए हसन जई कोयला कढ़ाई पे। जी हाँ, जिसका एड्रेस है आप फेडरल बी एरिया, जब आप वाटर पम्प से आयशा मंजिल की तरफ आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जमात खाने से बिल्कुल पहले है, इन फ्रंट ऑफ बिन हाशिम। यहाँ की कोयला कढ़ाई और तमाम किस्म के बारबेक्यू आइटम यहाँ हमने ख़ुद ट्राई किया है, बहुत ही लजीज और बहुत डिफरेंट स्टाइल से ये लोग बनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको यहाँ से एक मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी सिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको यहाँ के रेस्टोरेंट से सिखा रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई किस तरीके से यहाँ बनाई जाती है। यहाँ पे हमने जो है 500 ग्राम चिकन लिया है। अब हम यहाँ पर 2 कप कुकिंग ऑयल लिया, उसमें चिकन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक ऐड करेंगे, नमक एज पर यू टेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने 15 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे कवर करके कुक करना है। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने 15 मिनट कुक करके कवर किया था, अब इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से आपने मिक्सिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर हम जो है 1 कप योगर्ट यानी कि 1 कप दही ऐड करेंगे और इसमें 1/2 कप ऑफ पानी ऐड करेंगे। 1 कप योगर्ट और 1/2 कप पानी यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर ब्लैक पेपर हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे, यानी कि काली मिर्च, वाइट पेपर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, रेड होल चिली यहाँ पर हम 8 से 10 और ड्राई कोकोनट पाउडर यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पर जो है हम ऐड करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, क्रीम कोई सी भी ब्रांड की आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छे तरीके से यहाँ पर अब मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से इसकी करनी है। कोयला पे बन रही है कढ़ाई तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट आता है। यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो स्पाइसेस मैंने आपको शुरू में बताए थे वो स्पाइसेस हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसे आप अच्छे तरीके से मिक्स अप करेंगे। ग्रीन चिली यहाँ पर हमने ऐड की है 3 से 4 अदद बड़ी वाली ग्रीन चिली। थोड़ी सी हम यहाँ पे कोरिएंडर लीफ ऐड करेंगे जायके के लिए। जी व्यूअर्स, आज की हसन जई कोयला कढ़ाई की हमारी वाइट कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं माउथ वाटरिंग है, टेस्ट भी बहुत ही आला है इसका। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी के हवाले से मुझे लाइक कमेंट से लाजमी बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।